अपने दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस कर ताकि सामने क्वेश्चन मिलते रहे जेबी साइबर बैंक प्रमोशन के समझ से। हमें बात करें जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स AFMB यूनिट नंबर 4 है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार का वीडियो कोर्सेज है, एक है जो इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, दूसरी जो जिसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। आप दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी प्रकार इंडियन इकोनॉमी हो, प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 1,000 रुपये हैं, सभी के दाम 2,000 रुपये हैं। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं दाम 2,500 रुपये, या दाम है 4,000 रुपये। ठीक, हम लोग देखेंगे जेआईबी का एफएमबी मॉड्यूल है, यूनिट 4 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आइए, ये हो गया रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का क्या मतलब होता है? रिकॉन्सिलेशन का साधारण भाषा में बोले टेली करना। क्या करना? टेली करना। टेली किस तरह करेंगे? कोई एक अकाउंट है दूसरे अकाउंट के साथ टेली करना, यानी अगर एक अकाउंट से 100 रुपये डेबिट हुए हैं तो दूसरे अकाउंट में जहाँ क्रेडिट होगा वहां पे 100 रुपये ही क्रेडिट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, सेम अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इसी चीज को हम रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। हम यहां लिख सकते हैं कि टू टेली वन अकाउंट विथ अनदर अकाउंट। ठीक है, हम एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ टेली करते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, एक अकाउंट को हम दूसरे अकाउंट से क्या करते हैं? टेली करते हैं। यानी सेम अमाउंट जो डेबिट होगा वही सेम अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। हम बोलेंगे जो डेबिट का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए जो कि क्रेडिट होगा अमाउंट आपको। यानी एक अकाउंट में, वन अकाउंट जिसमें आप डेबिट कर रहे हो, उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट होगा अनदर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका रिकॉन्सिलेशन। अगर हम बात करें कैश अकाउंट यानी कैश बुक में, अब समझिएगा बात, हम बात कर रहे हैं क्या कैश अकाउंट, या हम इसको कैश बुक भी बोलते हैं। जो यहां प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल है वो समझते हैं। यहां जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है डेबिट, डेबिट का मतलब हो गया जो पैसा कटा, बट यहां पे डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन। ठीक है, और यहां क्रेडिट में क्या हो जाएगा? व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैशबुक में या कैश अकाउंट का जो प्रिंसिपल सीधा से डेबिट मतलब हो गया जो पैसा आया, क्रेडिट मतलब जो पैसा गया। अब हम पासबुक में बात करेंगे। जो पासबुक की अब आप बात करते हो तो थोड़ा चेंज हो जाता है प्रिंसिपल आपका। यहाँ जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो क्या होगा कि डेबिट का मतलब होता है उल्टा, व्हाट गोज आउट। यहाँ व्हाट गोज आउट, और यहां हो जाएगा व्हाट कम्स इन क्रेडिट में। दोनों का मतलब अलग अलग है। तो कैशबुक में क्या जो प्रिंसिपल प्लेस डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट। पासबुक में जाएगा प्रिंसिपल में क्या डेबिट का मतलब व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में जाएगा व्हाट कम्स इन। ठीक है, सारा पॉइंट आप लिखते चलिए। अब पांचवा पॉइंट देखिए, हम ये बोल सकते हैं जो कैशबुक का मतलब है वहां पे जो प्रिंसिपल एक चीज और अप्लाई होती है। क्रेडिट का मतलब होता है डेबिट मतलब होता है रिसीवर, और क्रेडिट का मतलब होता है गिवर। हम एक चीज और लिख सकते हैं कि कैशबुक में जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डेबिट जो डेबिट होगा वो रिसीवर है, और जो क्रेडिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? गिवर है। जबकि आप पासबुक में आएंगे
तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो हो गया कि डेबिट के साइड में गिवर बोलते हैं और क्रेडिट के साइड में रिसीवर बोलते हैं, उल्टा। आपको क्या समझ में आ रहा है? दोनों उल्टा है। हम यहाँ पे पॉइंट और बना सकते हैं कि पासबुक जो है अपोजिट है किसका? अपोजिट है कैशबुक का। हम एक चीज और लिख सकते हैं कि पासबुक जो है वो एक तरह का इमेज है। किसका इमेज है? मिरर इमेज है कैशबुक का। मिरर इमेज, उल्टा अपोजिट, मिरर का मतलब अपोजिट होता है, मिरर इमेज है कैशबुक का। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलो। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज हैं, एक जो है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए है, दूसरा जो है आपका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए है। आपको दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, केस स्टडी की वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, मॉक टेस्ट हो जाएंगे, रिवीजन नोट्स हो जाएंगे। कोई भी पर करिए, इंडियन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग, रिटेल बैंकिंग, सभी के दाम 1000 रुपये, यहाँ सभी के दाम 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉम पे करते दाम है 2500 रुपये, दाम है 4000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbsabmedigy.com, email address 8793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।